नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। मैं गुरप्रीत सिंह एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्जन कॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, इन्वर्जन कॉर्ड क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उनको गानों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो वैसे काफ़ी मैंने वीडियो डाले हैं कॉर्ड्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉर्ड्स, वैसे तो कॉर्ड्स चार प्रकार के होते हैं। जो हमारे ज़्यादा यूज़ होने वाले कोड हैं वो है मेजर कोड और माइनर कोड। हमारे 90% गाने, 95% गाने इन दो कोड्स पे निकल जाते हैं। मेजर का मतलब होता है कि आपका, सपोज करिए, इसमें सारे ही सारे स्वर शुद्ध होंगे। यानी कि अगर कोड का मतलब क्या होता है कि तीन स्वर एक साथ दबाना, जैसे मैंने तीन स्वर एक साथ दबाया, इसको कोड बोलेंगे। ठीक है, अभी मेजर का मतलब क्या होगा, मेजर के मतलब ये होता है कि जब मैंने तीन स्वर दबाए, तीनों को तीनों स्वर शुद्ध होंगे, ठीक है, उसको हम मेजर कोड बोलते हैं। ठीक है, माइनर में क्या होता है कि एक स्वर कॉमन होता है। अभी मेजर को ढूंढने का जो नंबर होता है वो है 1 5 8, और माइनर को ढूंढने का जो नंबर होता है 1 4 8। ठीक है, अभी बात आती है कि माइनर कोड ढूंढना है कैसे या मेजर कोड। अभी मान के चलिए मेरे को पहली काली का मेजर कोड निकालना, तो मैं क्या करूँगा, पहली काली को एक नंबर मानूंगी, इसके बाद फिर पांचवा नंबर सुर, फिर आठवां नंबर सुर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 5 8। तो ये मेरा पहली काली का मेजर कोड ये वाला, देखिए ये मेरा पहली काली का मेजर कोड। इसी तरह अगर मैं दूसरी काली का मेजर कोड निकाला तो मेरे को देखिए 1 5 8, तो ये मेरा दूसरी काली का मेजर कोड। इसी तरह तीसरी काली का निकाला तो ये मेरे 1 5 8, तीसरी काली का मेजर कोड। अभी माइनर कोड निकालो तो मैं पैटर्न लगाऊंगा 1 4 8, ये पहली काली का माइनर कोड निकालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 4 8, तो ये है पहली काली का माइनर कोड। दूसरी काली का माइनर कोड, तीसरी काली का माइनर कोड, चौथी काली का माइनर कोड। ठीक है, इस तरीके से हम कोड निकालते हैं। अभी आती है बात इन्वर्जन की, इन्वर्जन क्या होते हैं। इन्वर्जन, ठीक है, अभी इन्वर्जन समझ ली। इन्वर्जन क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलिए मैंने पहली काली का कोड लगाया, मेजर कोड, इसमें मेरे स्वर लग रहे हैं सा गा पा। आपको ये पता कि ये अपना सा है, ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, और ये ता सप्तक का सा। अभी मैंने सा का कोड लगाया, जैसे पहली काली का कोड लगाया, मेजर कोड लगाया, तो मेरा ये बना सा गा पा। तो मैंने लिख लिया, मैंने पहला कोड अपना लिख लिया सा गा पा। अभी इन्वर्जन क्या चीज़ है, ये तो अपना सिंपल कोड हो गया। ठीक है, अगर ये मैंने मेजर लिख ली, इसी तरह माइनर भी लिखता, माइनर का बनेगा सा कोमल गा पा। ये मेजर है और ये माइनर। अभी इनका इन्वर्जन क्या बनेगा, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ये बनाया सा गा पा, जो आपका आठवां स्वर होता है, जैसे 1 5 8, मैंने क्या कहा था कि मेजर का पैटर्न होता है 1 5 8 और माइनर का पैटर्न होता है 1 4 8। अभी इसका हमें इन्वर्जन बनाना है, सा गा पा का इन्वर्जन बनाना है और सा कोमल गा पा का इन्वर्जन बनाना, तो कैसे बनाएं। अभी इन्वर्जन का तरीका ये होता है कि जो हम ये आठवां स्वर ले रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आठवां स्वर, यानी कि आप बोल सकते हैं तीसरा स्वर। अगर देखा जाए तो ये तीन स्वर, एक नंबर पे सा होगा, दो नंबर पे गा होगा, तीन नंबर पे पा होगा, तो ये तीन स्वर होगा टोटल। तो क्या करना है आपको, ये जो तीसरा स्वर ले रहे हो, ये जो पा जो तीसरा स्वर है, इसको आप यहाँ पे नहीं बजाओगे, इसको आप नीचे वाले सप्तक में बजाओगे। यानी कि मैंने क्या बजाया, पा सा गा, तो ये मेरा इन्वर्जन बन गया। ठीक है, देखिए, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि जो तीसरा स्वर पहले आ जाएगा और सा गा वैसे ही रह जाएगा, यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस कोड की भी ये आ जाएगी, पा सा कोमल गा, तो ये बन गया इन्वर्जन। अभी देखिए गानों में यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, अब आपको एक गाना बजा के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये कोड लगाया पहली काली से, मैंने स्केल चूज किया, छू कर मेरे मन को, देखिए, देखिए मेरा लगेगा वही कोड इन्वर्जन। लगाने को मैं ये भी लगा सकता था, पर पता क्या है, इन्वर्जन क्या मतलब क्या होता है कि देखिए, लगना है तो यही कोड सागा पा, पर क्या है कि हम इतना ऊपर जा नहीं रहे। अगर हम पा तक जाते तो हम ये वाला कोड लगाते, अभी हम
सा और गा के बीच में जा रहा, गा से ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब हमारा इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कोड हमेशा गाने की रेंज के हिसाब से लगते हैं। अभी मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक प्यार का नगमा, आपने गाना सभी ने सुना हो। ठीक है, अभी देखिए मैंने पहले गाना बजाया, मैंने एक कोड लगाया। ठीक है, दूसरी लाइन बजा रहा मौजो की रवान। अभी देखिएगा, अभी देखिए असलियत, असल में देखे तो कोड हमारा ये वाला नी का कोड लगना था। देखिए मैंने बजाया जिंदगी और मेरी लाइन नी पे खत्म हुई, तो नी का कोड देखा जाए तो ये वाला कोड बनता, ये वाला बनता है। बट हम गाना यहाँ पे नीचे नीचे गा रहे तो हम ऊपर तो गए नहीं, तो ऊपर वाला कोड क्यों लगेगा, तो इसलिए इसका नी का इन्वर्जन लग गया। तो नी का वैसे कोड था नी रे पा, तो इन्वर्जन क्या बनेगा, नी पा रे, यानी कि पा भी नीचे वाला ले लिया और रे भी नीचे वाला ले लिया, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, आप हर एक कोड का इन्वर्जन निकालना सीखिए। जैसे मान के चलिए अभी मैं शुद्ध रे का कोड निकाल रहा हूँ, यानी दूसरी कली का मेजर कोड निकाल, तो दूसरी कली का मेजर कोड बनेगा रे तीव्र मा और धा। ठीक है, मान के चलिए मैं शुद्ध रे का कोड निकाल रहा हूँ, शुद्ध रे का मेजर कोड बन रहा है शुद्ध रे तीव्र मा और अपना धा, तो ये मेजर कोड। अभी मेरे को इसका इन्वर्जन करना, तो मैं क्या करूँगा, अभी देखिए इसका इन्वर्जन बनेगा, जैसे मैंने ये कोड लगाया तो इसका इन्वर्जन ये बनेगा, ये बनेगा, यानी कि मैंने ऊपर वाला धा उठा के नीचे कर दिया, इसका ये इन्वर्जन हो गया। ठीक है, यही चीज़ आपको करनी सीखनी, क्योंकि गानों में जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर इन्वर्जन ही लगते हैं, शुद्ध कोड बहुत कम लगते हैं, ज़्यादातर आपको इन्वर्जन ही लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको इन्वर्जन का मतलब पता होना चाहिए कि इन्वर्जन चीज़ क्या है और इनको हमें यूज़ कैसे करना है, इन्वर्जन कोड कैसे गानों में लगते। मोस्ट प्रोबेबली 90-95% आपके इन्वर्जन कोड ही लगेंगे, बहुत कम चांसेस हैं जिसमें आपके शुद्ध कोड लगें। अभी आपने खुद ही देख लिया कि मैंने इस पर भी इन्वर्जन लगाया। ठीक है, इसी तरह आप किसी और में भी चले जाओगे उसी में भी इन्वर्जन लगेगी, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके शुद्ध कोड लगें। तो आपको हर एक कोड के इन्वर्जन निकालना चाहते हैं, जैसे ये मेरा सागा पा, इसका इन्वर्जन ये बन गया, ये मेरा दूसरा शुद्ध रे का कोड है तो इसका इन्वर्जन ये बन गया, इस तरह मेरे तीसरे काले का ये कोड है तो इसका इन्वर्जन ये बन गया, ये इसका इन्वर्जन है। ठीक है, इसी तरह मेरा चौथे काले ये कोड है तो इसका इन्वर्जन ये बन गया। ठीक है, आपको हर एक कोड का इन्वर्जन पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रयास करें तो आपको इन्वर्जन भी बजाने आ जाएंगे। देखिए आपने मेजर सीख लिया, माइनर सीख लिया, इन्वर्जन सीख लिया, तो टोटल देखा जाए तो आपके, वैसे देखा जाए तो आपके टोटल कितने कोड होते हैं, 12 कोड आपके मेजर के होते हैं। ठीक है, मेजर के 12 कोड होते हैं। ठीक है, 12 कोड आपके माइनर के होते हैं। ठीक है, 12 ही आपके इन्वर्जन के होते हैं। ठीक है, तो 12 और टोटल आपके 36 कोड बन गए। अगर आप 36 कोड सीख लेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप कोई गाना बजाओ उसमें आपको कोड ना मिले। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए कोड्स के ऊपर, अभी भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप पहले वाले वीडियो देखिए और अपना कोड्स का कन्फ्यूज़न दूर करिए। इससे आसान तरीका ना तो आज तक किसी ने यूट्यूब पर कोड्स के ऊपर बताया, ना ही आपको कोड्स कोई बताएगा। ठीक है, कोड्स बहुत आसान है, समझने की बात है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, सिर्फ एक हमारा हारमोनियम गुरु ही एक ऐसा चैनल है जिसने कोड्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बाकी लोगों ने भी डाले हैं, एक दो दो वीडियो डाले हैं, बट उनसे आपका काम नहीं बनेगा। उन्होंने खाली बताया कि कोड दो प्रकार के हैं, बस बात खत्म। उनको उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको कोड लगाना कैसे है, कोड के तरीके क्या होते हैं लगाने के। तो अगर आपको कोई इंसान बता रहा है तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए, उसकी बात सुनिए और समझिए कि वो क्या चीज़ बताना चाह रहा है। अभी आपको, मेरे को लगता नहीं कि आपको कोड्स में कोई दिक्कत है, अगर कोड्स में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कुछ गाने डालूं और कुछ गानों में आपको कोड्स लगा कर बताऊं कि इस तरीके से कोड बजाए जाते हैं गानों में और कोड्स के इन्वर्जन भी लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको सारे कोड बजाने सीखने हैं। सबसे पहले आपको मेजर कोड बजाने आना चाहिए, फिर माइनर कोड आना चाहिए, फिर इन्वर्जन बनाने आना चाहिए, आपको मेजर और माइनर के इन्वर्जन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगे रहेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, होप जो मैंने बताया आपको समझ लगा, अगर समझ लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।